अपना यूट्यूब चैनल उमेर नेम। ये मैंने इस वटा ब्रॉडकास्ट पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इफ़ ए इज इक्वल टू 535 देन द सबसेट ऑफ ए विल बी। तो इसका ए का जो सबसेट होगा वो 2 होगा। वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये जो होगा सबसेट मालूम करेंगे, वो कैसे मालूम करते हैं, 2n। ठीक है, तो हमारे पास n कितना है, ये एक एलिमेंट है। हम लिखिए देखने के हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है, तो हम n कितना हो गया, हमारे पास एक होगा। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, 2n हो जाएगा n की जगह पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2k। तो ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद एक और मैंने आप लोगों को इंग्लिश शेयर की थी, इंग्लिश का ही स्वोर डैश गॉड, ही स्वोर बाय गॉड, प्रपोजिशन जो होगा वो कसम खाता है बाय गॉड्स खुदा की। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जहाँ भी आ जाए गॉड या फिर उससे पहले गॉड से पहले स्पेस आ जाए, तो आप लोगों ने यहाँ बाय लिख देना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह अब मैंने एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पॉडकास्ट में, तो आप लोग मेरी यहाँ बल्कि कम्युनिटी में, तो आप लोग कम्युनिटी में जाके ये जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश इज़ आल्सो नाउन एज वाइट कोल, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर देना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जैसे ही रिप्लाई देंगे तो मैं आप लोगों का इसका आंसर भी शेयर कर दूँगा। अपनी वीडियो को मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया, आप लोगों को जवाब बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।